ऑलराइट गाइस, तो वेलकम बैक टू दी अनदर गेमिंग वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं हाउस स्लीपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दो एपिसोड से मैं अपने हाउस को रेनोवेट करने में लगा हूं, मगर ये अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट करने की इसको कोशिश करूंगा, उसके बाद हम इसको सेल भी कर देंगे। तो गाइस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहुंच गए अपने ऑफिस को, जिसको मैंने लास्ट पार्ट में रेनोवेट करके कुछ इस तरह किया था, आप लोग देख लो। तो यहाँ पे अभी मैं ये जो अलमारी है फजूल में रश डाला हुआ था, तो इसको तो सेल करूँ पहले। बाथरूम में मैंने रख दी थी लास्ट पार्ट में, अभी बाथरूम का भी सारा कुछ सेटिंग वगैरह करनी है। उसको भी मैंने सारी चीज़ें बेची हुई है, नई वगैरह लेंगे सारा कुछ। तो एक गंदा सा एक कारपेट था, उसको भी बेच दिया है। तो भी बड़ा कुछ पड़ा, मुझे नहीं लग रहा कि इस एपिसोड में ये हमारा गेम खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो अभी बाथरूम की कोई सेटिंग वगैरह कर लेते हैं, अभी इसका भी सारा सामान लेने वाला है। तो पहले बेसन ले लेते हैं, उससे हाथ वगैरह भी तो धोने होते हैं ना। तो उसकी सेटिंग कहाँ पर करें कुछ सोच रहा हूँ, यहाँ पर सेटिंग इस साइड पर इधर सही रहेगी। तो यहाँ पर बेसन की तो फिटिंग होगी, तो 600 का मुझे मिला, $600 का। तो अब यहाँ पे हम अपने जो है टॉयलेट पार्ट का भी इंतजाम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पे अब ये पड़ा है। तो नीचे जाते हैं, मिल ही जाएगा, तो देख लेंगे क्या मिलता है या फिर नहीं। तो होगा तो सही है, बाथरूम की चीज़ है, मैं बाथरूम के साइड पे देखो आया हूँ, वहाँ पे तो मिल तो जाएगा मुझे। तो ये मिल गया मुझे, ये तो बड़ा भाई महंगा था, 1200 का ये। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग सही रहेगी, 1200 का बड़ा महंगा, ये देख लो ऊपर। तो अब मुझे लेना है यहाँ पर कारपेट बाथरूम के लिए। तो कारपेट पता नहीं अब कौन से यहाँ पे सेक्शन में है, तो पूछ के मेल से पैनल्स में होंगे। तो ये मेल से ये वाला है, ये जो लिखा हुआ है 70 वाला, ये है, ये वाला लेते हैं गाइस। $70 का एक है ये जो है, जैसे एक बॉक्स $70 का, तो बड़ा महंगा था ये भी, पर ले लेते हैं। बाथरूम को ज़रा अच्छा सा बनाएंगे, तो कोई बाथरूम में है तो पता लगे भाई किसी गेमर का बाथरूम है। सर स्टूडियो टाइप का अपना कमरा, ऑफिस भी सारा रेडी कर देंगे। लास्ट पार्ट में तो कुछ अच्छा नहीं मैंने किया था, तो यहाँ पर इसकी पेंट वगैरह मैंने कर दी। आओ आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो ये वाला पेंट मैंने सेलेक्ट किया, बड़ा टाइम लगा था इस पेंट को मुझे सेलेक्ट करने में, इसलिए वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, तो वो बहुत बड़ी लंबी हो जानी थी वीडियो। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की वीडियो में सारा कुछ खत्म कर दें, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो लंबी नहीं की। तो यहाँ पर लाइट्स ले लेते हैं, लाइट्स भी कुछ गंदी है हमारी। तो पहले डेकोरेशन का लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ ना लंबा सा इस तरह का कुछ बॉक्स लेते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें लगा लेंगे, जैसे कि कुछ शैम्पू उस तरह की चीज़ें ना, कोई पौधा वौधा भी लगा लेंगे। अब इसको सेट करने का मसला है, सेट कैसे करें। तो यार ये बेसन के, ये बेसन बोल दिया, ये बेसन ही है गाइस, मैं तो पागल हुआ वो। तो बेसन के साइड पे इस तरह सेट कर देते हैं, तो ये सही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे साथ ही कुछ चीज़ें शैम्पू वगैरह लगा देंगे, तो यहाँ पर सही रहेगा। इधर सेटिंग सही तरह से मैं एक बड़ी कर दूँ, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। ये भी $1000 का था, पैसा मैंने कोई पोचा वोचा लगा के कमाया था। आप लोग सोच रहे होंगे पैसा इतना कहाँ से आ रहा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख लो किस तरह मैंने पैसा कमाया था, आप लोग भी देख लेना इतनी मेहनत से कमाया था। अब ये 200 का ये यहाँ पे ले लेते हैं ब्रश वगैरह, तो पेस्ट भी तो करनी है, अब गंदे दांतों के साथ तो नहीं वीडियो बनाएंगे ना। तो यहाँ पे अब लेते हैं कोई और अच्छी सी कोई चीज़, तो ये ले लेते हैं, ये टूथपेस्ट है शायद, पता नहीं क्या है, ब्रश ही और टीथ ले लेते हैं, टूथपेस्ट ही है शायद। तो ले लेते हैं ये भी, साथ पे रख लिया। तो ये देखो भाई अंदर मैंने शैम्पू, ये ड्यूडेंट और ये सारा कुछ क्रीमें वगैरह सारा कुछ ले लिया। तो प्लांट वगैरह भी कुछ मैं एक मैंने लिया ऊपर लगाने के लिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना कुछ वॉशिंग मशीन ले लें, तो कपड़े भी तो धोएंगे ना, वॉशिंग मशीन भी लेंगे, तो इससे हमारी जो है ना ऑफिस की जो स्टूडियो हम बनाएंगे उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी जैसे जैसे हम चीज़ें लेंगे। तो वॉशिंग मशीन मुझे मिल नहीं रही, तो मैं सर्च करके ले आता हूँ, यहाँ पे सर्च की भी तो जगह है। तो यहाँ पे मुझे आखिरकार सर्च करने पे मिल गई है, ऊपर मैंने लिखा वॉशिंग मशीन, तो ये आई आगे। तो पर ये $2000 है, पैसे कहाँ पे से लाऊँ यार, खत्म हो जाएंगे, इतने तो मैंने कमाए नहीं है जितने मेरे खाई जा रहे हैं, देखा अपने लापरवाही का नतीजा। तो अब ये वॉशिंग मशीन को यहाँ पे सेट करते हैं। ओ भाई ये क्या है, अब क्या ये भी मैं करूँगा, अब इसकी मुझे फिटिंग भी करनी है इसके पेच वगैरह निकाल के। तो अब मैं इसकी फिटिंग भी कर लेता हूँ, फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ कैसी सेट होती है ये। भाई साहब यहाँ पर उन्होंने मेरे से इतने पेच निकाले, इतना कुछ करा के, पाइप भी आखिरकार मैंने ही लगाया था और ये सेट हो गई आखिरकार। तो ऊपर मैंने ये वॉशिंग पाउडर ले लिया, तो वॉशिंग पाउडर से करेंगे, और साबुन तो नहीं घोलना ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, बतानी जरूरी तो नहीं थी कुछ भी। तो अब यहाँ पे कुछ लाइट ले लेते हैं, आगे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो लाइट हमारी कुछ गंदी सी है,
तो उसके लिए यहाँ पर लाइट लेनी पड़ेगी मुझे। तो ये ले लेते हैं, $500 वाली सस्ती सी लाइट लेंगे, बाथरूम में तो है। अब बाथरूम का क्या, कौन सा लाइटें दिखेगा, कौन सी इनके पास लाइट, तो ये 500 वाली ले लेते हैं, अच्छी रहेगी। तो यही परचेस कर लेते हैं 500 वाली, मेरा तो फाइनल डिसीजन है। तो अब यहाँ पे दरवाजे की भी कुछ सेटिंग वगैरह कर लें, 2000 वाला सही रहेगा या 2200 वाला, तो 2000 वाली ले लेते हैं, 200 बचा लेते हैं, क्योंकि पैसा जो है आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहा है खत्म। तो आप लोग लोग बड़े तो हो गए, तो यहाँ पे अब देखो हालात इतने खराब हो गए हैं, चीजें बेचने की नौबत आ गई है। तो यहाँ पे मुझे ये 2000 का मैंने लिए थी मशीन, और 1000 रुपए की बिकी है 50% प्राइस में। तो यहाँ पे सारा मैंने जो किचन का कबाड़िया सा सामान था वो भी बेच के यहाँ पे सारी जगह खाली कर लिया। तो ऊपर से जो कप थे वो उठा लिए, अपने यहाँ पे कोई टेबल वगैरह लेके लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ये पुरानी सी एक लाइट है, इसको भी सेल कर देते हैं, तो इसकी जगह ले लेते हैं हमने ये 800 की एक अच्छी सी ये लाइट है, ये ले लेते हैं। बाथरूम में तो सस्ती सी एक लगाई थी, इसके लिए जगह अच्छी देंगे। तो अब बारी है पेंट की, तो पेंट यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ, ये इसका नाम है स्ट्रॉबेरी। तो साथ में चाहता हूँ कि कंट्रास्ट होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया था एक ये जो स्ट्रॉबेरी था, और एक ये मैंने लाइट पिंक सा एक लिया था। तो इस तरह का कुछ स्ट्रॉबेरी सा हमारा निकल रहा है, स्ट्रॉबेरी तो ये ज़्यादा कोई ऑरेंज टाइप का हो रहा है। तो एक दीवार हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अब सारा घर यहाँ पे आप लोग देखो भाई, सारा हमने जो अपना रूम है स्टूडियो सा उसको कर लिया कंप्लीट। तो यहाँ पे एक मैंने लाइट भी ली थी ब्लू कलर की, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी। तो अब ये वाल पेपर की बाड़ी है, तो वाल पेपर भी मैंने लगा लिया, आप लोगों को आज दिखाता हूँ सारा। देखो भाई अब लग रहा है स्टूडियो, देखो भाई आप देखो वाल पेपर कितना कमाल का मैंने चूज किया है, ये लाइट भी ऊपर एक ब्लू कलर की मैंने ली है। तो देखो भाई वाल पेपर चेक करो एकदम से यार, स्टूडियो वाली फील आ रही है। आप लोग कमेंट में लाजमी बताना, अभी तो और भी चीजें लेना बाकी हैं, ये तो अभी बस बेसिक्स थी। तो आप बाकी का भी सामान ले लेते हैं, जैसे टेबल वगैरह कोई लैपटॉप वगैरह ले लेंगे। तो पहले तो गाइस यहाँ पे मैं नीचे फ्लोर पे टाइल्स लगवाने वाला हूँ, आगे आप लोग देख लो कितनी बकवास किसी ने लगाई हुई है, बिल्कुल बकवास लगनी है। तो यहाँ पे रोबर्ट भाई आ गए हैं, तो रोबर्ट भाई ने मुझे 3 फ्लिप कॉइन्स रिवार्ड दी हैं ये टाइल्स वगैरह लगाने पर, 75 मैंने इस हाउस में लगा दी हैं। तो अब ये देख लो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है नीचे से फ्लोर, अब इतना प्यारा लग रहा है, इतना बकवास लग रहा था, देखो अब आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। ये लोग रेटिंग कमेंट में लाजमी देना, फ्लोर अच्छा लग रहा था पहले। तो अब लगा लेते हैं अपना टेबल, तो यहाँ से मैंने सारी जगह खाली कर ली है, तो यहाँ पे कुछ टेबल लगाते हैं। तो पहले मेरी नज़र यहाँ पे पड़ गई थी ड्रॉ पे, तो पहले मैं अपने बेड के साथ ये जो ड्रॉ है ये भी चेंज कर लेते, तो आगे इतना पुराना लगा हुआ है, तो अब ये सही रहेगा। ऊपर मैंने एक परफ्यूम रख दिया और एक चाय का कप। तो अब टेबल लेते हैं अपना, तो मुझे पहले 5 फ्लिप कॉइन देकर इसको अनलॉक करना पड़ेगा, और वो $2450 का ये टेबल, और साथ ही 5000 की गेमिंग चेयर भी मैंने ली है। ये देखो भैया अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, पैसा सारा उड़वा दिया पर अच्छा तो लग रहा है ना। अब एसी भी लगवा लेते हैं, तो ओए होए एसी भी 1500 का गाइस, इतना महंगा ये सामान मिलता है। तो यहाँ पे अब मैं आया हूँ, मुझे ऑर्डर मिला हुआ था, ये कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने पे $6000 मिलेंगे, तो मैंने कहा अब ये भी कर लेते हैं। पैसे आप लोग देख लो कितने रह गए हैं, 1440 रुपीज बस ये रह गया पैसा। तो सारा पैसा मैंने डेकोरेशन पे लगा दिया, अब सफाई भी तो करनी है, लूंगे घड़ूंगे जाके, अब ये देखो कूड़े के इतने इतने बूढ़े में उठा रहा हूँ। तो ये देखो भाई कमरे की इनकी हालत देखो, सारा इनको पता लगा है मैं जो पैसों की जरूरत है, सारा कमरा बर्बाद कर दिया है, ना शुक्रे लोग हैं। LCD इन्होंने नीचे कराई हुई है, इसको उठाते हैं, ये क्या भाई गेम भी इस पर लग देती है, ये गेम भी है LCD के अंदर, फिर भी नीचे कराई हुई है, पर गेम भी बकवास ही है शायद इसलिए कराई हुई है। तो यहाँ पे मुझे 6000 मिल गया, पर ये मुझे मिलेगा 4 घंटे बाद, क्योंकि अगर मैं इंस्टेंट लेना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए 10 फ्लिप कॉइन्स देने पड़ेंगे, पर मैंने नहीं देने। तो यहाँ पे मैं एक और ऑर्डर किया था, तो अब देख लो भाई हमारा घर कुछ इस तरह हो चुका है। तो एक मैंने यहाँ पे मोबाइल भी लिया था, अब डेकोरेशन ज़रा अच्छी हो गई है, ये $1200 का मोबाइल था, तब पैसे 1648 रह गए हैं। मैंने 2 ऑर्डर भी कंप्लीट किए हैं, 4 घंटों में मुझे इनकी पेमेंट भी मिल जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो में मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, 1600 रह गए हैं बस। तो अब इसमें मैं कुछ ले नहीं सकता, तो मेरे पास अभी जो करंट अभी मेरी वैल्यू है स्टूडियो की, अगर मैं अभी सेल करूँ तो मैंने चेक किया 80,000 है। तो मैं $80,000 में अपना जो है स्टूडियो बेचना नहीं चाहता, 1 लाख 2 लाख डॉलर्स तक मैं बेच दूंगा। तो वो हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से अपने पार्ट फोर में, तब तक मैं कुछ पैसा वैसा भी कमा लूंगा। 2 ऑर्डर मैंने भी कर लिए हैं, इनकी भी पेमेंट मुझे कुछ देर में अभी तक मिल जाएगी। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, अगर वीडियो में मजा आया वीडियो तो को लाइक करना मस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। तो मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।